हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चारो स्टिच क्रिएशन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, पैंट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कट करेंगे फ्रंट पैनल पैंट का। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कपड़े के दोनों साइड पे निशान लगाकर पहले से रखे हुए हैं। इन निशानों को हम कट कर लेंगे जिससे हमारा कपड़ा सीधा हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे कमर का फोर्थ पार्ट रखना है 9.5 इंच, प्लस उसमें हमें यहाँ पे 2.5 इंच करना है, तो 12.5 इंच हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्रॉच के निशान लगाना है। कमर की साइज का फोर्थ पार्ट प्लस 1 इंच हमें यहाँ पे करना है, तो 10.5 इंच पे हमारे यहाँ पे इस तरह से निशान लग जाएगा। उसके बाद आगे की तरफ फिर से हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाना है क्रॉच एरिया के लिए। तो यहाँ पर देखिए, इसका आप हमें सेंटर कर लेना है और यहाँ पर ये हमारा टोटल आ जाएगा 14.5 इंच। तो इसका हमें सेंटर करना है इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसका जो सेंटर किया है, यही सेंटर हमारा नी पॉइंट और बॉटम पॉइंट के लिए रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, क्रॉच एरिया के लिए मैं इस तरह से राउंड शेप में निशान लगाऊंगी। तो उसके बाद हमें देखिए, कमर की साइड पर 1 इंच नीचे की तरफ डाउन देना है और इस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है प्लेट्स के लिए। प्लेट्स के निशान के लिए आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरी पैंट की रेडी लेंथ है 38 इंच, तो यहाँ पर मैंने 1 इंच माइनस कर दिया और इस तरह से मार्किंग कर दी है। अब हमें नीचे फोल्डिंग के लिए निशान लगाना है। तो जितना हमें फोल्ड करने के लिए कपड़ा चाहिए उतने पर आप निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से ये निशान लगा दिए हैं। अब हमें निशान लगाना है नी पॉइंट के लिए। नी पॉइंट के लिए देखिए, पहले हमें क्रॉच एरिया पर और बॉटम पर दोनों पे इस तरह से इंच टेप को रखना है, फिर उसका सेंटर करना है और उसके बाद हमें कमर की साइड पे 1 इंच बड़ा लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा इस तरह से नी पॉइंट बन गया है। अब हमें यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करनी है। अब जितना हमारा यहाँ पर आया था उतना ही हमें इसके नी पॉइंट की साइड पे रखना है। तो देखिए, इस तरह से सेंटर कर लेना है। बॉटम पॉइंट पे भी हम इसी तरह से करेंगे। जो निशान मैंने लगाया है उससे आगे मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमें अब इसका नी पॉइंट के लिए जो हमने घुटने की गोलाई रखनी है वो हमें यहाँ पे रखनी है। घुटने की गोलाई का हाफ हाफ हमें सेंटर पॉइंट के दोनों साइड पर लगाना है निशान और इस तरह से स्केल से मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सेपर स्केल से मार्किंग की है। दूसरी साइड पर भी मैं इसी तरह से मार्किंग करूँगी। और अब यहाँ पर देखिए, नीचे की तरफ भी मैं इसी तरह से मार्किंग कर लूँगी। तो यहाँ पर अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए, कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर कट करेंगे बैक पार्ट। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचा हुआ है उसे भी हमने यहाँ पे अच्छे से बिछा लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए, ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर मार्किंग की थी और उस पर मैंने इस तरह से स्केल से मार्किंग कर ली है। अब इसी के अंडर हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रखना है और इस तरह से निशान लगाने स्टार्ट करने। तो देखिए, आगे की तरफ 2.5 इंच बढ़ा लेना है और सीधे मार्किंग करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तक मैंने मार्किंग कर ली है। जहाँ तक मैंने 2.5 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखा था वहाँ तक मैंने इसे इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब हमें आगे की तरफ फिर से 2.5 इंच लेना है। आप यहाँ पर अपनी साइज के अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। अगर हैवी साइज है तो आप 3 इंच भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, नी पॉइंट पे मैंने 2 इंच रखा, बॉटम पॉइंट पे मैंने यहाँ पे 1.5 इंच रखा है। अब हमें इन निशानों को आपस में मिला लेना है और इस तरह से यहाँ पर हमारा बैक पार्ट के लिए भी निशान कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने दूसरे साइड की कटिंग भी कर ली है। उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह से कट्स लगा लेने हैं।
और अब यहाँ पे हम दूसरे पैनल पे भी इसी तरह से प्लेट्स का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी प्लेट्स पड़ेगी। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी राइट साइड है और ये हमारे लेफ्ट साइड का पैनल है। तो यहाँ पे मैंने एल लिख दिया है। अब हमें सबसे पहले जो राइट साइड है वहाँ पे पॉकेट अटैच करनी है। राइट साइड वाले पैनल पे पॉकेट अटैच करनी है। तो उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर पॉकेट के लिए लिया है कपड़ा, डबल फोल्डेड है और इसकी चौड़ाई 7 इंच यहाँ पर रखी हुई है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पर 13 इंच रखी है। तो अब हमें यहाँ पर देखिए खुली साइड की तरफ से निशान लगाने हैं। 1.5 इंच पे मैंने ऊपर की तरफ निशान लगाया है, 5.5, उसके नीचे, फिर यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है और इस तरह से शेप दे दिया। अब यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से कट हो गया है। टोटल ये हमारा 9.5 इंच रेडी आया है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं, पॉकेट के ऊपर मैंने रखा है यहाँ पे फ्रंट पैनल को इस तरह से, और जो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी पॉकेट बिल्कुल कट होके रेडी है। अब हमें इसे अटैच करना है। तो देखिए, यहाँ पर राइट साइड वाले पैनल पे मैं इसे अटैच करूँगी और जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ है और पॉकेट नीचे की तरफ है, आप देख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर 2 इंच पे पहले निशान लगा लेना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 5.5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से जो निशान मैं लगा रही हूँ इसी के ऊपर हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हमें इसकी जो दोनों साइड है यहाँ पे कट लगाने हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि धागा ना कटे। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर कट लगा दिए हैं और अब हमें यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगानी है। इस तरह से कपड़े को सेट कर लें और जो भी नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है उसे हमें यहाँ पे पॉकेट की तरफ रखना है और इस तरह से सिलाई लगानी है। तो देखिए, यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद धागा कट करेंगे और अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी पे फिर से सिलाई लगानी है। तो देखिए, इस तरह से हम यहाँ से सिलाई को लेंगे, आगे की तरफ 1/2 इंच बढ़ाते हुए फिर कपड़े को घुमाएंगे और इस तरह से सीधे सीधे हम लाएंगे, फिर यहाँ कॉर्नर पे लाकर हम इसे फिर से घुमाएंगे और एक दो बार यहाँ पर हमें पक्का करना है, एक दो सिलाई एक्स्ट्रा लगानी है। और यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमारा ये रेडी हो जाएगा। अब हमें पॉकेट को क्लोज करना है। तो देखिए, पहले हमें क्या करना है, इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है और इस तरह से फोल्ड करने के बाद किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब इसे हम सुलटा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पॉकेट इस तरह से रेडी है। अब हमें यहाँ पे प्लेट्स देनी है। तो देखिए, प्लेट्स में यहाँ पर जितने में मैंने निशान लगाया है उतनी पूरी में दे रही हूँ और ये प्लेट्स रहेंगी 1/4 इंच की। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने प्लेट्स डाल दी हैं। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो देखिए, यहाँ पर इस कपड़े को सिलाई करके हमें दबा लेना है और पॉकेट ना दबे इस चीज़ का ध्यान देना है, पॉकेट बंद ना हो इस चीज़ का ध्यान देना है। तो देखिए, यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। और अब हमें ऊपर की तरफ भी पॉकेट को बंद कर लेना है।
और अब हमें लेफ्ट पैनल पर भी इस तरह से प्लेट्स डाल देनी है। तो देखिए यहाँ पर दोनों साइड पे हमारी प्लेट्स डल चुकी है। अब हमें इसके क्रोचेरी को स्टिच करना है। तो इस तरह से हाफ इंच की दूरी पे हमें क्रोचेरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैं डबल सिलाई इसमें लगा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारा ये आपस में इस तरह से जुड़ चुका है। और अब यहाँ पर मैंने ली है 4 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी और यहाँ पर मैंने बुकरम लिया है 1.5 इंच चौड़ा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से बेल्ट बना ली है। अब हमें इलास्टिक लेना है बैक पार्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैक साइड के क्रोचेरी को स्टिच कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने इलास्टिक लिया है बैक साइड के एक पैनल के बराबर। हमें यहाँ पे इलास्टिक लेना है और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से राइट साइड के ऊपर इस तरह से एक पट्टी को अटैच कर लूँगी। उसके बाद अब हमें यहाँ पर लगानी है स्लाइट। तो देखिए यहाँ पर स्लाइट लगाने के लिए मैंने यहाँ पर जहाँ तक हमने कपड़ा फोल्ड करना है उसके दोनों साइड 2-2 इंच पे निशान लगा लिया है इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है और जो सेंटर वाला भाग है वहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले इस तरह से सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद हमें इस जगह को छोड़ना है जहाँ पे हमने मार्क किया है। उसके बाद इससे आगे हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ तक आएगा इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर जो हमने अलग से बैक पार्ट में पट्टी फोल्ड की थी वहाँ तक हमारा फ्रंट पैनल आएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले कट बना लेने हैं। तो देखिए ये जो पार्ट है हमारा यहाँ तक खुला हुआ है, हमें पहले इसे अच्छी तरह से निशान लगा कर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देखिए नाखून से इस तरह से आप इसमें मार्क कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से इसकी फोल्ड हो जाती है। अब हमें यहाँ पर से इस तरह से इसे लेना है, इसे पलट लेंगे। और अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसे पलट लिया है, अच्छे से सेट करेंगे। अब जो ये खुली वाली साइड है यहाँ पर देखिए इस तरह से एक स्ट्रेट निशान लगाइए, उसके बाद एक हल्का तिरछा निशान यहाँ पर हम लगाएंगे। ऐसा ही निशान हम दूसरी साइड पे भी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जहाँ तक हमने सिलाई लगानी है वहाँ पर भी मैंने इस तरह से मार्किंग की है। अब जो हमने तिरछा निशान लगाया था वहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हमें सिलाई मिलाते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और धागा कट करेंगे। तो देखिए यहाँ तक हम सिलाई लगा रहे हैं, फिनिशिंग से यहाँ पर सिलाई लगनी है और उसके बाद हमें यहाँ से फिर से सिलाई स्टार्ट करनी है और हल्की तिरछी देते हुए इस तरह से लगा लेनी है सिलाई। तो देखिए दोनों साइड पे सिलाई लग चुकी है, हल्का सा हम इसे कट करेंगे। और इस तरह से हल्का कट करने के बाद इसे सुलटा करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत आसानी से सुलटा हो जाता है। कॉर्नर निकालते हुए इस तरह से हमें इसे सीधा करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे कट इस तरह से रेडी है। अब हम यहाँ पे इसे बैक साइड पे फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसे पलट लिया। अब यहाँ पर हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है और ये हम पोंछा हमारा कट वाला बन के रेडी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों ही मोहरियाँ इस तरह से बना ली हैं। तो बहुत ही आसानी से बन जाता है ये स्लाइड। तो अब देखिए यहाँ पर हमें बैक साइड पे इलास्टिक अटैच करना है। तो इलास्टिक को हमें इस तरह से अटैच करना है। देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। तो फ्रंट साइड अपनी ओर रखते हुए देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फ्रंट साइड के ऊपर फोल्ड किया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने इलास्टिक के ऊपर रखा है और एक पैर के बराबर कपड़ा छोड़ा हुआ है जिस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे
पक्का कर लूँगी सिलाई लगाकर। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी अटैच करना है। और यहाँ पर देखिए इलास्टिक सीधा रहना है, तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे भी इलास्टिक को अटैच कर लेना है। यहाँ पर भी हम पक्का कर लेंगे। और अब इसे उल्टा करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कितनी फिनिशिंग से हमारी दोनों साइड अटैच हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पर इलास्टिक को पूरे कपड़े में कवर करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें इस तरह से सिलाई तक लेना है, जो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक अलग से अटैच किया था। उसके बाद हमें देखिए यहाँ पर एक पैर के बराबर कपड़े को छोड़ना है, ताकि हमारा इलास्टिक दबे ना और कपड़े पे सिलाई आए। तो देखिए इस तरह से हाथ से आप अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ तक हमारी इलास्टिक है और इतना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है और इलास्टिक को खींचते जाना है बीच बीच में। तो देखिए थोड़ा सिलने के बाद इलास्टिक खींच लें, उसके बाद फिर से इस तरह से इलास्टिक में सिलाई लगाएं। और अब देखिए यहाँ पर सिलाई लग चुकी है और कितनी फिनिशिंग से हमारी इलास्टिक अटैच हुई है देखिए। तो एक बार फिर से ऊपर से इसमें सिलाई लगा रही हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें इलास्टिक को खींच लेना है और खींच करके इसे हमें बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो हमारी बैक साइड की क्रॉच एरिया वाली साइड है, वो दोनों इस तरह से बराबर आए। और उसके बाद हमें इसमें सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। और इस तरह से कपड़े को खींचते हुए हमें यहाँ पे सेंटर में सिलाई लगानी है, इससे हमारा इलास्टिक दब जाता है। तो देखिए इस तरह से हमें कपड़े को खींचना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट और इलास्टिक दोनों अटैच हो चुकी हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड पे भी बुकरम के किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई को आप पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसमें फिटिंग लगानी है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी इलास्टिक अटैच हो चुकी है और बेल्ट भी रेडी है। तो अब देखिए यहाँ पर मोहरी है हमारी, यहाँ पे 12 इंच, तो हमने उसका हाफ यहाँ पर रखना है 6 इंच। और मैं यहाँ पर 1 इंच में इस तरह से निशान लगाकर सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर रखा था। निशान से थोड़ा आगे मैंने कट किया हुआ था कपड़ा, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाकर इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ फिटिंग के अकॉर्डिंग। तो पूरे ही कपड़े में मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी और सिलाई लगाऊंगी। और यहाँ पर पैंट बिल्कुल रेडी है, इंटरलॉक और प्रेस करने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।